डार्क शेड लाके रखने के लिए, एक दोस्त गाली बकने के लिए, बड़ी जिंदगी हो एज भले शॉर्ट, उसमें जेबे भरी हो फुल भरा हो पॉट, उसमें सपनों का पैकेट पल को से खोलूं, और इस फकीर को क्या चाहिए तुम बोलो। सो वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले कि हम लोग जो इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यू हम लोग देखने वाले कैसे होगा और उसका लॉजिक भी हम लोग देखने वाले। तो चलते हैं जल्दी से हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यू देखने से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, व्हाट इज स्टैक एंड व्हाट इज क्यू। सो व्हाट इज स्टैक, सो स्टैक का बेसिक इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो स्टैक क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर होता है, समझ लीजिए एक कंटेनर है हमारे पास। तो कंटेनर के अंदर हम लोग बिस्किट डाल रहे हैं, सिंपल बिस्किट डाल रहे हैं। पहला बिस्किट हमने डाल दिया, उसके बाद सेकेंड बिस्किट डाल दिया, उसके बाद थर्ड बिस्किट डाल दिया। तो हम लोग अगर बिस्किट फिर से हम लोग खाना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा वाला बिस्किट को पहले निकालेंगे, ऑब्वियसली ऊपर वाला जो बिस्किट है उसको पहले निकालेंगे। तो ये हो गया स्टैक। तो उसको मैं अच्छी तरीके से समझाऊँ तो क्या होगा, हमने पुश 3 किया, तो पुश कहाँ होगा, पुश होगा हमारे एकदम नीचे, ठीक है। पहले कंटेनर पूरा खाली था, ठीक है, तो हमने पुश 3 किया, तो इधर 3 पुश हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पुश 4, सो कहाँ पे होगा, पुश इधर, उसके बाद पुश 5, तो पुश कहाँ पे होगा, ऊपर एकदम ऊपर, तो 5। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि पॉप हो जाए एलिमेंट, मतलब हम लोग खाना चाहते हैं बिस्किट को, ठीक है। तो कौन सा वाला निकलेगा पहले, 5 वाला, सो 5, ये हो गया हमारा पॉप। इसका मतलब क्या हो रहा है इधर, कि जो लास्ट में हमारा एंटर हो रहा था, लास्ट में तो हमने 5 एंटर किया था, तो पॉप मैंने किया तब वो पहले निकला, तो हो गया हमारा लास्ट इन फास्ट आउट, ये हो गया हमारा स्टैक। सो स्टैक इज लीफो टाइप, ठीक है, लीफो। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज क्यू। सो व्हाट इज क्यू, तो क्यू का आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक पाइप टाइप का कुछ है, मतलब दोनों तरफ पूरा गैप है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पुश 5, ठीक है, ठीक है, तो पुश हो गया हमारा 5, तो पुश अगेन, पुश 9, सो 9 कहाँ पे पुश होगा, इधर, फिर से पुश 13, तो 13 कहाँ पे पुश होगा, ऑब्वियसली 9 के बाद, तो 9 के बाद। तो अभी हम लोग पॉप कर रहे हैं, पॉप, सो पॉप कहाँ पे पॉप होगा, कौन सा वाला एलिमेंट पॉप होगा, ऑब्वियसली 5 वाला, क्योंकि हमने 5 इधर से निकाल दिया। तो अभी हमारा क्यू कैसा होगा, तो हमारा क्यू हो जाएगा ऐसा, सो हमारा 5 निकल चुका है। तो देखो हमने 5 सबसे पहले फास्ट हमने इनपुट किया था, तो और पॉप भी हमारा फास्ट एलिमेंट ही हो रहा है हमेशा, सो ये हो गया हमारा फास्ट इन एंड फास्ट आउट, ठीक है। सो ये हमारा फास्ट इन फास्ट आउट हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत है 2 क्यू की, तो हमने बना लेते हैं हम लोग इधर 1 क्यू, इसको नाम दे देते हैं हमारा Q1, और ये है हमारा Q2, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि कुछ हम लोगों को पुश करना है, पुश 3, मान लीजिए हमको पुश करना है 3, तो हम लोग कहाँ पे पुश करेंगे, सो पुश इट इन Q2, ठीक है। सो कहाँ पे होगा हमारा पुश, Q2 में, ठीक है। तो हमने Q2 में पुश कर दिया इधर 3, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Q1 में जो कुछ भी है हम लोग Q2 में ले आएंगे, सो Q1
टू क्यू टू पे ले आएंगे जो भी एलिमेंट है हमारे पास, वन बाय वन हम लोग ले आएंगे, वन बाय वन, ठीक है। सो वन बाय वन हम लोग ले आएंगे, तो अभी तो हमारे पास क्यू वन में कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज कुछ नहीं करेंगे हम लोग, अभी हम लोग क्या करेंगे, स्वाप क्यू वन क्यू टू, क्यू वन एंड क्यू टू को स्वाप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्यू वन में चला जाएगा थ्री एंड हमारा क्यू टू एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से पुश फाइव, तो हम लोग फाइव पुश कर रहे हैं, तो कहाँ पे पुश होगा एंड कैसे पुश होगा, तो सेम टैक्टिक्स, इधर फाइव हम लोग कर देते हैं, फाइव पुश करना चाहते हैं हम लोग, सो फाइव को टू क्यू टू में पुश करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यू वन में जो कुछ भी हो क्यू टू में ले आओ, तो क्यू वन में है हमारा थ्री, सो क्यू वन में है हमारा थ्री, तो हम लोगों ने थ्री को क्यू टू के अंदर ले आया, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्वाप Q1 एंड Q2, सो Q1 अभी तो खाली हो गया क्योंकि हमने इस वाले एलिमेंट को मतलब 3 को इधर ले आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्वाप करेंगे, स्वाप करने के बाद ये हो जाएगा 5 एंड 3 और इधर से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुश 15, ठीक है, हम लोग 15 पुश कर रहे हैं अभी, इधर 15 हम लोग लिख देते हैं, इधर 15, सो 15 हम लोग पुश कर रहे हैं, तो 15 कहाँ पे पुश होगा, Q2 में, सो Q2 में हमने पुश कर दिया 15 को, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Q1 से Q2 में वन बाई वन एलिमेंट को ले आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा 5 आएगा, 5 आ गया, उसके बाद 3, सो ये दोनों इधर से चला जाएगा, ठीक है, तो मैं इधर इरेज कर देता हूँ जल्दी से। उसके बाद क्या बोला गया कि स्वाप Q1 एंड Q2, सिंपली हम लोग स्वाप कर देंगे, सो इधर आ जाएगा हमारा 15, 5, 3 एंड हमारा ये वाला एलिमेंट चला जाएगा इधर से। तो फिर से हम लोग एक और पुश करते हैं, ठीक है, लास्ट पुश, ठीक है। सो हम लोग जल्दी से पुश करते हैं इधर कि हम लोग क्या पुश करें, पुश 30 करते हैं, ठीक है, 30, तो हम लोग इधर कर देते हैं 30, सो 30 को हम लोग पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ पे पुश होगा, पुश होगा हमारा Q2 के अंदर, हाँ सही बोला, Q2 के अंदर, सो Q2 के अंदर पुश हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, Q1 से Q2 में वन बाई वन एलिमेंट को ले आएंगे, सो हमारा सबसे पहले है 15, सो हमारा 15 आ जाएगा इधर, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 3, ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्वाप करेंगे, स्वाप, सो हमारा क्या होगा, ये तो चला जाएगा इधर से, ठीक है, क्योंकि हमने तो वन बाई वन एलिमेंट को इधर पुश कर दिया। उसके बाद हमारा ये वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा, उसके बाद हम लोग स्वाप कर रहे हैं, तो स्वाप करने से हमारा क्या हो जाएगा, 30, 15, 5, 3 और ये हमारा Q पूरा एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। सो हमने कर लिया हमारा स्टैक यूजिंग Q, तो अभी हम लोग पॉप करना चाहते हैं, मान लीजिए हम लोग पॉप करना चाहते हैं, तो कौन सा एलिमेंट पॉप होगा, सो हमारा सबसे ऊपर जो एलिमेंट रहता है वो पॉप होता है हमारा, मतलब हमने क्या क्या पुश किया था, एक स्टैक बना के हम लोग देख लेते हैं। हमने पुश किया था पहले 3 को, उसके बाद 5 को, उसके बाद 15 को, उसके बाद 30 को। अभी हम लोग चाहते हैं कि हमारा पॉप हो जाए, सो अभी कौन सा वाला पॉप होता, अगर ये स्टैक होता तो 30 ऑब्वियसली पॉप हो जाता, तो हम लोग सिंपली क्यू के अंदर पॉप कर देंगे, सो क्यू के अंदर सिंपली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली क्यू का पॉप ऑपरेशन को हम लोग एक बार कॉल कर देंगे, सो ये सिंपली 30 को पॉप कर देगा, उसके बाद ये एलिमेंट हमारा है अभी क्यू के अंदर।
ऐसे हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग क्यू, ठीक है। तो अभी हम लोग कोड करके देख लेते हैं जल्दी से कैसे हम लोग इसको कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं C++ में, तो जल्दी से हम लोग वो देख लेते हैं। सो, हम लोगों ने देख लिया कैसा इसका अप्रोच होगा, इसका लॉजिक कैसे काम करेगा। तो हम लोग अभी देख लेते हैं C++ कोड कैसे हम लोग इसको कोड में लिख सकते हैं। तो गीक्स फॉर गीक्स का एक क्वेश्चन था कि स्टैक यूजिंग टू क्यूज, सो हमने इधर इम्प्लीमेंट कर लिया है ऑलरेडी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो क्यू, एक है Q1 एंड Q2 जो हमारा डिफॉल्ट इधर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। सो Q2 में हम लोग पहले पुश कर रहे थे, तो Q2 में हमने पुश कर दिया। उसके बाद अगर Q1 एम्प्टी नहीं है तो पहले केस में हम लोग अगर पहला एलिमेंट पुश कर रहे हैं तो पहले एलिमेंट में तो हमारा Q1 एम्प्टी होगा। सो हमने देखना है कि हमारा जो एलिमेंट हम लोग पुश कर रहे हैं वो कि हमारा पहला एलिमेंट है, तो अगर पहला एलिमेंट है तो हमारा इस व्हाइल लूप का कोई ज़रूरत नहीं है। सो हमने ये चेक कर लेना कि Q1 क्या एम्प्टी है या नहीं। सो Q1 हमारा एम्प्टी है पहला केस में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको स्वाप कर देंगे। सो स्वाप कर दिया है हमने इधर, तो आप देख सकते हो हमने ये स्वाप कर दिया है, तो स्वाप तो आपको पता ही होगा। सो उसके बाद हम लोग सेकेंड एलिमेंट पुश कर रहे हैं जो हमारा है 3, ठीक है, पुश 3। तो 3 हम लोग पुश कर रहे हैं Q2 में, अभी तो Q1 हमारा एम्प्टी नहीं है क्योंकि पहले हमारा Q2 ऑलरेडी Q1 के अंदर है। सो हमने अभी ये परफॉर्म करना है कि 1x1 एलिमेंट को हमारा जो Q1 में जो भी एलिमेंट है उसको Q2 के अंदर पुश कर दो, तो Q2 के अंदर पुश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग स्वाप कर देंगे, जो हमने अभी अभी लॉजिक समझा है वही लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट कर दिया इधर। सो आफ्टर पुश 3 देन पुश सॉरी पॉप। सो हम लोगों को क्या करना है कि पॉप, सिंपली पॉप ऑपरेशन को कॉल कर देना है। तो हमने ये चेक कर लेना है कि हमारा जो हमारा Q1 है वो एम्प्टी है या नहीं, अगर एम्प्टी होगा तो हम लोग तो पॉप नहीं कर सकते। तो हमने चेक कर लिया पहले कि हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं, अगर एम्प्टी नहीं है मतलब कुछ एलिमेंट है तो हम लोग पॉप तो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टेम के अंदर उसके फॉन्ट जो हमारे सबसे पहला वाला जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग टेम के अंदर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग सिंपली उसको पॉप कर दे रहे हैं, उसके बाद हम टेम को रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है सिंपली। सो ये हो गया हमारा स्टैक यूजिंग टू क्यूज का इम्प्लीमेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और उसके बाद लाइक करना है इस वाले वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।